काशी सहोदया सीबीएसई एवं जेएनआईओटी के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षा विभूति सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। काशी सहोदया सीबीएसई एवं जेएनआईओटी के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षा विभूति सम्मान समारोह का आयोजन उदय प्रताप पब्लिक स्कूल के सभागार में किया गया, जिसमें वाराणसी एवं आसपास के जिलों के लगभग 150 प्रधानाचार्यों को शिक्षा विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। काशी सहोदया की प्रेसिडेंट संगीता कुमार जी ने बताया कि हम इस तरह का प्रोग्राम हर साल अपने प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों के सम्मान के लिए करते हैं और इसमें जेएनआईओटी का संपूर्ण सहयोग मिलता रहता है और मैं विश्वास दिलाती हूं कि जेएनआईओटी के साथ काशी सहोदय का संबंध हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। किसी विशेष कार्यवश इस कार्यक्रम में काशी सहोदया के लक्ष्मण जी उर्फ जेएनआईओटी के काजू बाबा की कमी सभी ने महसूस किया। एडवाइजर उमेश सिंह उर्फ काजू बाबा जी ने बताया कि हमारे सीईओ स्वदेश कुमार सिंह जी ने अपने संदेश में बधाई एवं शुभकामनाएं भेजी है और यह विश्वास दिलाया है कि हम कोशिश करेंगे कि अगले वर्ष से काशी सहोदया के शिक्षा विभूति सम्मान समारोह का जेएनआईओटी आयोजन स्वयं करें और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य हेतु जो भी करना पड़ेगा वह भी करेंगे और आप लोगों के सम्मान के लिए समय समय पर भी आयोजन करते रहेंगे। इस अवसर पर काशी सर्वोदय के संरक्षक गणेश सहाय, सचिव तरुण रूपानी सर, प्रधानाचार्य संतोष कुमार सिंह, किरण सिंह, उपांशु सिंह, आलोक श्रीवास्तव, प्रिया सिंह, सुनीता सिंह, रितेश मिश्रा, शोभा सिंह, डॉक्टर अजय पांडे, डीएपी गौड़ एवं विभिन्न स्कूलों से आए प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन तरुण रूपानी सरवन प्रिया मैडम ने किया। मैं जयप्रकाश शर्मा, प्रबंधक ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल जो कि आईसीएसई बोर्ड का विद्यालय है, नर्सरी से कच्चा भारत। सर, ये समझ लीजिए कि आज का ये प्रोग्राम जो है सच में एक बिरला है। काशी की नगरी में आज इस प्रकार का जो सम्मान शुरू से होता आया है, लेकिन आज उदय प्रताप कॉलेज में आज मैडम के द्वारा जो है बहुत ही सुंदर और अच्छे ढंग से सभी शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इस प्रकार का प्रोग्राम करने से शिक्षकों के अंदर एक उत्साह आता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में और बढ़ चढ़ के कुछ कार्य करें। ये सम्मान हमेशा होना चाहिए और शिक्षक ही हमेशा सम्मानित रहे, इसलिए हमेशा कहा गया है कि शिक्षक सबसे सर्वोपरि है और इसे शिक्षकों का सम्मान हमेशा होना चाहिए। जेएनआईओटी के लिए क्या है सर? उसके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। शब्दकोश में हमारे जेएनआईओटी कम हम लोग जानते हैं, उमेश जी को ही जेएनआईओटी मानते हैं। चाहे उनको जेएनआईओटी कह लीजिए, चाहे उनको काजू बाबा कह लीजिए, चाहे संकट मोचन महाराज कह लीजिए, जो भी उनको कहिए वो सब कम है। और हम उमेश भैया का आज नहीं रहने पर बड़ा कष्ट हो रहा है। बाबा भगवान करे जहाँ भी रहे वो उमेश भैया हमारे स्वस्थ रहे और इस प्रकार से सहयोग करते रहे। बड़ा अच्छा सहयोग रहता है उनका, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। गीता कुमार, प्रिंसिपल उदय प्रताप पब्लिक स्कूल यूपी कॉलेज कैंपस। यहाँ पर शिक्षा विभूति सम्मान है, यहाँ पे शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पर 60 के करीब शिक्षक हैं और 60 ही उनके प्रिंसिपल भी हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है। जेएनआईटी हमेशा ही हमारा सहयोगी रहा है और छोटे बड़े प्रोग्राम में खुल करके सामने से आके उमेश जी का बहुत सहयोग रहा है। हम लोग उनके बिना कोई प्रोग्राम करना सोच भी नहीं सकते हैं, तो हम लोग का पार्ट एंड पार्सल है जेएनआईटी। उनको सर धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।